बात बुरहानपुर की करेंगे, जहां पर बीजेपी की पांचवी सूची जारी होने के बाद से ही बगावत का दौर शुरू हुआ है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव बुरहानपुर में बीजेपी से प्रत्याशी अर्चना चिटनिस को टिकट दिए जाने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थकों ने विरोध किया है। बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल उनका निधन हो चुका है और उनके बेटे अब इस विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो पार्टी से खासे नाराज हैं। हर्ष चौहान ने जनता से सहमति लेकर ऐलान किया है, वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और शीघ्र ही नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। देखिए, निर्दलीय लड़ना उचित होगा, जन भावनाएं अगर हो तो हर किसी के लिए उचित होगा। यहां पर लगातार दो बार से है, मैंने फिर कहा कि निमाड़ के साथ अन्याय हुआ। 40 साल 45 साल में हर व्यक्ति के मन में यहां नंदो भैया है। उनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाएं आहत हुई और उनका आदेश मुझे मिला है कि भैया अब आपको चुनाव लड़ना है, नंदू भैया के लिए लड़ना है, हमारे लिए लड़ना है। तो ये जो जनभावनाएं हैं इसके लिए बिल्कुल उचित होगा। और लगातार दो बार का अन्याय तो अब हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए।